गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज का मेरा वीडियो लेक्चर फंक्शनल डिपेंडेंसी में थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी में आर्म स्ट्रॉन्ग के 6 इन्फ्रेंस रूल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग के 6 इन्फ्रेंस रूल कौन कौन से हैं। क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आइए समझते हैं कि क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो द क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी फंक्शनली डिराइव्ड फ्रॉम ए गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो द क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम्स नेम। तो कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स या फिर कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉलम्स को क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स या कॉलम को फंक्शनली डिराइव किया जा सकता है एक गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से। तो एक गिबन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो उस गिबन फंक्शनल डिपेंडेंसी से कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स को जब डिराइव करते हैं तो उसको क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो वी डिनोट द क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बाय एफ प्लस। तो क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिनोट करते हैं एफ प्लस से, इस वाले साइन से। तो आर्म स्ट्रॉन्ग्स ऑक्सियम एल्गोरिथम इज यूज टू कंप्यूट द क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्लोजर को कंप्यूट करने के लिए आर्म स्ट्रॉन्ग के एक्सियम एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। तो आर्म स्ट्रॉन्ग ने एक्सियम एल्गोरिथम में 6 इन्फ्रेंस रूल दिए हैं और उन 6 इन्फ्रेंस रूल को यूज करके कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉलम्स को जो है कंप्यूट किया जा सकता है, उसको डिराइव किया जा सकता है। इन्फ्रेंस रूल डेवलप्ड बाय आर्म स्ट्रॉन्ग इन 1974। तो 1974 में आर्म स्ट्रॉन्ग ने इन्फ्रेंस रूल को डेवलप किया था। देयर आर 6 इन्फ्रेंस रूल्स और ऑक्सियम्स। तो ये 6 रूल्स है, 6 ऑक्सियम्स है दैट की ऑल पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज मे बी डिराइव्ड फ्रॉम देम। तो इन 6 रूल्स को यूज करके ऑल पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिराइव किया जा सकता है। तो ये है आर्म स्ट्रॉन्ग के 6 इन्फ्रेंस रूल। तो आइए एक एक करके इन रूल्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो है रिफ्लेक्सिबिलिटी या फिर इंक्लूजन रूल। तो इस रूल में क्या है कि इफ वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, अगर वाई एट्रीब्यूट एक्स एट्रीब्यूट का सबसेट है, दैट मींस अगर वाई एट्रीब्यूट एक्स एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, तब हम कह सकते हैं कि x एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमीन करेगा y एट्रीब्यूट को। दूसरा जो रूल है, सेकेंड रूल है ऑगमेंटेशन रूल। तो इसमें क्या है, इफ x डिटरमीन y, अगर x एट्रीब्यूट y एट्रीब्यूट को डिटरमीन करता है और फिर x डिटरमीन कर रहा है y को, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में और इसके राइट हैंड साइड में अगर हम सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट को अप्लाई करते हैं तो डिपेंडेंसी हमेशा वैलिड डिपेंडेंसी बनेगी। तो एक्स जेड डिटरमीन करेगा वाई जेड को फॉर एनी जेड, मतलब फॉर एनी अदर सेट ऑफ सेम एट्रीब्यूट के लिए। तो The augmentation rule says that, augmentation rule कहता है कि adding the same set of attributes, कि अगर आप same set of attribute को add करते हो
टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो रिजल्ट जो आएगा आपका हमेशा एक दूसरे वैलिड डिपेंडेंसी के फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा, मतलब वैलिड डिपेंडेंसी के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। थर्ड जो रूल है वो ट्रांजिटिव रूल है, तो इसमें क्या है कि इफ एक्स डिटरमिन वाई, अगर एक्स एट्रीब्यूट डिटरमिन करता है वाई एट्रीब्यूट को, दैट मीन्स वाई एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है एक्स एट्रीब्यूट के ऊपर, एंड वाई एट्रीब्यूट डिटरमिन जेड एट्रीब्यूट, दैट मीन्स जेड एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है वाई एट्रीब्यूट के ऊपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स एट्रीब्यूट जो है वो फाइनली जेड एट्रीब्यूट को भी डिटरमिन कर सकता है, तो देन एक्स डिटरमिन जेड एट्रीब्यूट। फोर्थ जो रूल है हमारे पास वो है यूनियन एडिटिव रूल, तो यूनियन एडिटिव रूल में क्या होता है कि एक्स डिटरमिन ए एट्रीब्यूट, एक्स एट्रीब्यूट ने ए एट्रीब्यूट को डिटरमिन किया और उसी एक्स एट्रीब्यूट ने बी एट्रीब्यूट को क्या किया, डिटरमिन किया। तो इस तरीके से एक्स जो है वो डिटरमिन करेगा ए एट्रीब्यूट को भी और एक्स जो है वो डिटरमिन करेगा बी एट्रीब्यूट को भी। तो यहाँ पे एक्स डिटरमिन कर रहा है ए और बी दोनों एट्रीब्यूट को। नेक्स्ट जो फिफ्थ रूल है वो है डीकम्पोजिशन रूल, जिसको प्रोजेक्टिव रूल भी बोलते हैं। तो डीकम्पोजिशन रूल में क्या है कि हम जो है इफ एक्स एट्रीब्यूट डिटरमिन ए एट्रीब्यूट और बी एट्रीब्यूट, अगर एक्स एट्रीब्यूट ए और बी दोनों एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है तो इसका जब हम डीकम्पोजिशन करेंगे तो एक्स एट्रीब्यूट डिटरमिन करेगा ए एट्रीब्यूट को और वही एक्स एट्रीब्यूट डिटरमिन करेगा बी एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रूल सेज दैट, डीकम्पोजिशन रूल कहता है कि वी कैन रिमूव एट्रीब्यूट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ डिपेंडेंसी, हम डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड से एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं अप्लाइंग दिस रूल रिपीटेडली। इस रूल को बार बार रिपीटेडली अप्लाई करने से ये क्या करेगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी को डीकम्पोज कर देगा और छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ करके एक नए सेट ऑफ डिपेंडेंसी में क्रिएट कर देगा। तो ये था डीकम्पोजिशन रूल। लास्ट जो इन्फ्रेंस रूल है वो है स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल। तो इसमें देखते हैं क्या है कि इफ एक्स डिटरमिन वाई, अगर एक्स डिटरमिन करता है वाई को एंड और डब्ल्यू वाई डिटरमिन करता है जेड को, तो यहां पे डब्ल्यू का मतलब है कि यहां एक्स डिटरमिन वाई जो कर रहा है यहां पे एक्स में एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि डब्ल्यू वाले सेट ऑफ एट्रीब्यूट को यहां पर और ऐड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू एक्स डिटरमिन करेगा फाइनली जेड एट्रीब्यूट को। तो ये था जो है आर्मस्ट्रांग के सिक्स इन्फ्रेंस रूल। तो बेसिकली जो है ये जो सिक्स इन्फ्रेंस रूल है इसको मैंने डेप्थ में जाकर के नहीं समझाया है, बस मेरा जो पर्पस था वो यही था कि आपको बस ये पता चल सके कि आर्मस्ट्रांग के जो सिक्स इन्फ्रेंस रूल है वो सिक्स इन्फ्रेंस रूल कौन कौन से हैं। तो वो मैंने सिक्स इन्फ्रेंस रूल से जस्ट आपको फमिलियर करवा दिया है। तो मेरा पर्पस बस इतना ही था कि आप बस ये जान लें कि आर्मस्ट्रांग के सिक्स इन्फ्रेंस रूल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आगे चल करके मैं ओरेकल का डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो उसमें बेसिकली आपका SQL, PL SQL, फॉर्म्स रिपोर्ट और 12C डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो वो समझाना है। और डेटाबेस के जो ओरेकल वाले मॉड्यूल्स को समझने के बाद फ्रेशर लेवल पे आपको इन सब जो है सिक्स इन्फ्रेंस रूल्स वगैरह की आपको ज़रूरत फ्रेशर लेवल पे नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी भी तो बहुत बाद में 10 साल वर्क करने के बाद पड़ेगी और उस लेवल पे जा करके
अगर आप डेटाबेस की डिजाइनिंग वाले फील्ड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज उससे अच्छी पोस्ट तो ओरेकल DBA की है, ओरेकल डेवलपर की है, प्रोग्रामर की है। तो ज़्यादातर ओरेकल प्रोग्रामिंग में जो है डेटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चे, ज़्यादातर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इनिशियली ये जो 6 रूल्स है इनकी ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको बस इतना समझना था कि आर्मस्ट्रांग के 6 रूल्स कौन-कौन से हैं, तो वो मैंने यहाँ पे 6 रूल्स आपको एक तरीके से शो कर दिया है, दिखा दिया है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेरा ये थर्ड वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।